भाई हमको समझ में नहीं आता कि आप साथ भी रहिएगा, सवाल भी उठाइएगा, इतना ही अगर आपको अपनी नीति, अपने सिद्धांतों, अपने विचारों पर विश्वास है तो अलग होइए ना। विशेष राज्य का दर्जा क्या, झुंझुना क्या दिखा रहे हैं प्रदेश के लोगों को? सरकार में आप लोग हैं और आप भी लोग सवाल उठा रहे हैं, मतलब इससे बड़ी विडंबना हमने नहीं देखी या इससे बड़ा कमजोर मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। फिर आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग का सवाल भी आप उठाएंगे और उसके बाद उसी के साथ सरकार मिलकर सत्ता का सुख भी आप भोगेंगे। अगर आपको इतना ही एतराज है तो उठाइए कदम मजबूत, अलग होकर दिखाइए अगर आप में हिम्मत है तो, और अगर नहीं हिम्मत है तो कम से कम ये झुंझुना बिहार के लोगों को मत दिखाइए, फिर काम करके दिखाइए। फिर इस बात का वो लीपा पोती मत कीजिए कि भैया हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा इसलिए हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। भाई गठबंधन के आपके साथी हैं भारतीय जनता पार्टी, जाइए जाकर बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी 200 बार स्पष्ट कर चुकी है कि विशेष राज्य का दर्जा वो नहीं देने वाली है। उन्होंने प्रावधानों का हवाला उन्होंने दिया, नीति आयोग का हवाला उन्होंने दिया, उसके बाद क्या बार बार विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। भाई हम लोग भी मांग करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसीलिए आज हम लोग आपकी सरकार से अलग हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने कमजोर हैं, उनमें ताकत नहीं है कि वो हमारे प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिला सके। तो इसीलिए बार बार इस बात का झुंझुना आप लोग मत दिखाइए, बजट का हवाला मत दीजिए। मतलब बजट आधे देश के लिए बहुत बढ़िया और बिहार के लिए बहुत बुरा, मतलब किस तरीके की बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड के लोग, हमको समझ में नहीं आता कि आधे देश के लिए बजट बढ़िया हो जाएगा और आपके प्रदेश के लिए बजट खराब हो जाएगा, या तो बजट बोले कि खराब है। पर हिम्मत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप गठबंधन में हैं, पर वहीं आपको अपने राज्य में अपने प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को आपको झुंझुना भी देना है तो आप बताएंगे कि नहीं भैया यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो बिहार के लिए बजट ठीक नहीं है। हकीकत है कि मुख्यमंत्री अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनके बस का कुछ नहीं है, ना वो अपराधियों पे लगाम लगा सकते हैं, ना वो शेल्टर होम जैसी घटना पर अपराधियों को सजा दिलवा सकते हैं। आपके चाचा की पार्टी को क्या वहाँ पे आपका उम्मीदवार दिख सकता है चुनाव में? भाई हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे तमाम पार्टी के लोगों के साथ और अधिकांश सीटों पर हमारे प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। संसदीय बोर्ड, प्रदेश संसदीय बोर्ड के द्वारा कई नामों का सुझाव हम लोग को भेजा जा चुका है, जिसमें से अधिकांश नामों पर फाइनल मोहर भी लग चुकी है। तो से और संभवतः कितने सालों से, ये तो वो हैं जो कि बाहर बचकर आई हैं, जो अपनी बातों को बता सकती हैं, पर संभवतः कितने सालों से, और बल्कि इसमें तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करूंगा भैया कि आप लोगों का मोटो है, आप लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ बिहार में आप ही के साथ सत्ता में जो लोग हैं उन्हीं के शासन प्रशासन सत्ता तंत्र के नीचे उनकी नाक तले इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए भाई शब्द नहीं है अब उस इन चीजों की निंदा करने के लिए भी। और बार बार मैं ये बोलता हूँ कि इससे मेरे प्रदेश की छवि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की छवि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं, कि जहाँ एक तरफ आप महिलाओं को रोता बिलकता छोड़ते हैं जहरीली शराब से उनके घर में, उनके पति उनके भाई उनके बच्चों की मौत की वजह से, और दूसरी तरफ बच्चियां यहाँ पे रो रही हैं बिलख रही हैं क्योंकि उनके साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है, वो भी दिन दहाड़े आपकी जानकारी शासन प्रशासन की जानकारी के बावजूद इस तरीके के काम यहाँ पर हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना से क्या अंजाम लिया आपने, क्या उससे सीख ली, उसके बाद क्या आपने ऐसे कदम उठाए कि शेल्टर होम में दोबारा से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए? जहरीली शराब के बाद भी मुख्यमंत्री हर एक जगह खामोश रहते, उनके गृह जिला तक में कांड हो गया, पर उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा कदम उठाना जरूरी नहीं समझा कि भैया उसके बाद दोबारा ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। परिणाम स्वरूप उसके बाद छपरा में इसी तरीके की घटना घटी, बक्सर में इसी तरीके की घटना घटी, और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बाद आपने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिसका परिणाम है कि आज पटना में, शहरी इलाके में, पटना में जहाँ पे पूरी सरकार रहती है वहाँ पे शेल्टर होम में इस तरीके की घटना घट रही है। इसीलिए हम लोग बार बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं, और मैं पुनः इस घटना के बाद मैं पुनः महामहिम राज्यपाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि इससे ज्यादा घृणित घटना और कोई नहीं हो सकती। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।